नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। आज से चार दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में आग लगने की एक घटना घटी, लेकिन आग लगने की खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें 700 से अधिक दुकानें पूरी तरह से जल गई। नाहरलागुन के बाजार में लगी आग ने फैलने से लेकर इसे नियंत्रित करने तक कई सवाल खड़ा किया है। नाहरलागुन राज्य का महत्वपूर्ण शहर है जो पूरे देश के साथ संपर्क सूत्र है। यह अरुणाचल प्रदेश को सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग से जोड़ता है। जाहिर है यहाँ साल भर पर्यटकों की आवाजाही रहती है। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले दो दुकानों में लगी। 2 घंटे तक आग दो दुकानों तक ही सीमित थी। इस बीच पीड़ित दुकानदार फायर सर्विस और संबंधित विभाग को मदद के लिए खबर करते रहे, लेकिन जब तक मदद मिलती तब तक आग ने 700 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। आग बुझाने में हुई देरी को लापरवाही माना जा रहा है और आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण शहर में किसी भी संभावित दुर्घटना के लिए सरकारी तंत्र तैयार क्यों नहीं था? आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या किया जाए, मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज एक खास पैनल मौजूद हैं। ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। तामे फासांग साहब, नाहरलागुन के SDPO देकियो गुमजा हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नाहरलागुन बाजार वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन कीपा नई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। नाहरलागुन फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज के OC तारे तायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और अरुणाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष तार नाचुंग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जो ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। एक महत्वपूर्ण शहर और सबसे पुरानी बाजार, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बांस और लकड़ी से बहुत सारी दुकानें वहाँ बनी हुई थी, उसका समय समय पर आकलन होना, जांच होना और पूरे शहर का एक तरह से मुआयना करना, ये भी जिम्मेदारी सरकारी तंत्र की होती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो मेयर तामे फासांग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सवाल हम अब जो हमारे साथ जुड़े हुए दूसरे जो मेहमान हैं, नाहरलागुन जो फायर सर्विसेज के OC तारे तायर साहब, तारे तायर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोगों की इसमें गलती थी, कुछ लोगों की लापरवाही थी और इतनी बड़ी घटना जो घट गई। हालांकि इसमें हमें और सतर्क होने की ज़रूरत था और लोगों में भी जागरूकता की ज़रूरत थी। कहाँ चूक कहाँ हो गई, आपके नज़र से क्या कहेंगे आप? क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे तायर साहब, क्या सुन पा रहे हैं? क्लियर नहीं हो पा रहा है जी। जी, मेरा सवाल आपसे था ये तायर साहब कि इतनी बड़ी घटना हो गई, कहीं ना कहीं लापरवाही तो हुई ही है, लेकिन आपके नज़र से कहाँ चूक हो गई इसमें? ये आपका संपर्क नहीं हो पा रहा जी। ठीक है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे। ये सवाल हम दूसरे मेहमान हैं उनके पास ले जाना चाहते हैं, बाजार कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनके पास ले जाना चाहेंगे, जो बाजार वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं कीपा नई। आप, हमें उम्मीद है कि आप हमारी आवाज़ें सुन पा रहे हैं। बाजार में जो महत्वपूर्ण बाजार है, महत्वपूर्ण शहर है और ये कहा जा रहा है कि सबसे पुरानी एक बाजार है, इसमें इस तरह का हादसा होना, हालांकि ये संजोग है और ये सौभाग्य है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 700 दुकानें जली है, ये भी बहुत बड़ी घटना है। पहले प्रतिक्रिया आपकी। क्या सुन पा रहे हैं आप हमें, कीपा नई जी, क्या सुन पा रहे हैं?
खराब नेटवर्क की वजह से हमारे मेहमानों के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जो नाहरलगन में जो घटना हुई थी वो कोई मामूली घटना नहीं थी। इसमें 700 दुकानें जल गई और इसमें सरकारी तंत्र और सब कुछ इसमें एक तरह से फेल नज़र आया, क्योंकि इसमें जो बात सामने आई वो है, ये है कि 2 घंटे तक 2 दुकानों में आग लगी थी और 2 घंटे तक अगर मदद वहाँ नहीं पहुँची तो ये आग धीरे धीरे 700 दुकानों तक पहुँची। लेकिन सौभाग्यवश इसमें किसी के हताहत की खबर नहीं है, लेकिन दुकानदारों का काफ़ी नुकसान हुआ है। उनकी मुआवजे की बात हो रही है, उनके मुआवजा कब दिया जाएगा और कौन देगा। हालांकि इस पर बयान ज़रूर आए हैं मुख्यमंत्री के भी कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, और उस दुकान के बारे में क्या होगा, उस जगह के बारे में क्या होगा, जिन लोगों की संपत्तियाँ जलकर राख हुई हैं उनके साथ क्या होगा, उनके किस तरह से मदद दी जाएगी, ये बहुत बड़े सवाल हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम फिर से कोशिश करते हैं उनके पास जाने के लिए, और एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं मेयर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तामे फासांग साहब। इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो और पूरी तरह से शहर का आकलन किया जाए, दुकानें पुरानी हैं या नई हैं, वहाँ उचित व्यवस्था है कि नहीं, उसके आसपास फायर सर्विसेज है कि नहीं, फायर सर्विसेज अगर है तो कितनी तत्परता के साथ वहाँ पहुँच सकती है, इस पर अब किस तरह के आकलन होगा, क्या मेजर्स लिए जाएंगे आने वाले दिनों में। हेलो जी, क्या आप हम सुन पा रहे हैं तामे फासांग जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सॉरी, क्या जी, हमारी जी, प्लीज रिपीट, मैं अभी सुन सकता हूँ, इट्स ऑडिबल नाउ। जी जी ठीक है, आने वाले दिनों में इस तरह की घटना ना हो बाजार में, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं मेयर साहब? नमस्कार, सबसे पहले तो ये इस तरीका का घटनाएं सिर्फ बाजार में ही नहीं बल्कि इतना बड़ा दुर्घटनाग्रस्त जो पिछले दिनों में हुआ है 25 तारीख को लास्ट, ये बाजार में ही नहीं बल्कि कहीं भी ना हो, हम लोग ऊपर वाले से ये दुआ करेंगे सबसे पहले तो जी। और आपका माध्यम से मैं अपना जहाँ तक पहुँच है, जहाँ तक हम लोग इसका ऊपर जो कार्यक्रम कर रहा है, मैं आपको बता दूँ, जब 25 तारीख को ये दुर्घटनाग्रस्त लगभग 4 बजे 3:45 to 4 o'clock सुबह प्रातःकाल AM को ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ हमारा नाहरलगन डेली मार्केट में जी, जो आपको ईटानगर नाहरलगन ट्विन कैपिटल का सबसे बड़ा 40 साल पुराना मार्केट है ईटानगर का। तो ये इतना घना मार्केट है और बड़ा मात्रा में रहता है, और ये ऐसा मार्केट है यहाँ में जो आपको हर चीज़, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक व्हाट आई शुड से मल्टी मार्केट, लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर से भी बढ़कर है, क्योंकि आपको नॉन वेज से लेके अपना खास करके जो माएँ हैं, बहनें हैं, जो लोकल का ऑर्गेनिक चीज़ का हर चीज़ को, अब मैं आपको बता दूं, सारा चीज़ का बिजनेस यहाँ से होता है और मार्केट दोनों सिटी को यहाँ से कैटरिंग करता था जी। लेकिन ये आग का इंसिडेंट जो इतना बड़ा मात्रा में हुआ, इतना बड़ा नुकसान में हुआ, इसका भरपाई का होना लगभग नामुमकिन सा है। फिर भी आपको मैं बता दूँ, 25 तारीख को हम लोगों ने सुबह सुबह यहाँ का जो लोकल विधायक है, पुलिस है, अपना सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो अपना प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोगों ने वी हैव प्रेस टू द स्टेशन, हम लोगों ने उस जगह का दौरा किया और मोहिना किया ये कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये ऐसा दुर्घटना हुआ कि कुछ भी नहीं रह गया, सारा चीज़ जल के राख बन गया, कुछ बचा नहीं था लगभग, मेरा बोलने का मतलब जी। तो देखिए, इंसिडेंट इज ऑलवेज इंसिडेंट, ये फायर इंसिडेंट जो होता है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यवश ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। तो जल्दी से हम लोग इमीडिएटली हम लोग ने पहला कदम उठाया कि
उस जगह में जो जो आबादी बसता था, जिसका घर बार छीन गया, जिसका प्रॉपर्टी तो निकल गया लेकिन उसका अंदर जो रहता था, उन लोगों के लिए हम लोग इमीडिएटली एक रिलीफ कैंप बनाया जो एक 1.5 किलो का दायरे में है, अपना कंकर नाला हायर सेकेंडरी स्कूल में। वह हम लोग ने भोजन का प्रबंध किया, कपड़े का प्रबंध किया और रहने के लिए हम लोग वहाँ इमीडिएट शेल्टरिंग के लिए इमीडिएटली हम लोग तुरंत अरेंजमेंट किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको मैं बता दूँ, या सोशल अरेंजमेंट इतना अच्छा हुआ अपना बीच में, हमारा बंदा लोग एक दूसरों को मदद किया कि यहाँ पे कोई भी अपना रिपोर्ट नहीं किया ऐसा हालत खराब वाला है बोल के। दूसरा बात, हम लोगों ने डीसी से जो एसडीआरएफ का जो बनता है, जो इमीडिएट रिलीफ बनता है, इसके लिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी प्रबंध किया तो सबको संपर्क साधा है। लेकिन इसका एक नियम का तहत हम उसको कैश रुपया बांट नहीं सकता है, हम उसको उसका अकाउंट में पैसा देने का नियम था। तो इतना बड़ा मरा में ये इंसिडेंट हुआ कि ये 100-200 होने से अलग बात था। लीस अभी हमारा पास पहुंचा है, कल ही 1100 क्रॉस कर गया अपना जो विक्टिम का लीस जो है। अच्छा। ये के लिए, मुआवजा के लिए जी, आई मीन रिलीफ के लिए जी जी, तो 1100 नंबर्स में क्रॉस कर गया। तो इसमें इशू ऐसा है, आपको हम बता दूं, अगर आप ये सच्चाई को जानना चाहेगा, इसमें लैंडलॉर्ड एक अलग है और उसके बाद टेनेंट एक अलग है। टेनेंट जिन्होंने 12 ले रखा है वो अपना वो अलग है, और एक लैंडलॉर्ड बिल्डिंग का मालिक लोग एक फिर अलग है। तो सारा चीज़ जल गया, सामान भी जल गया, बिल्डिंग्स भी सारा, वो अपना जो जो घर बना रखा था दोनों चीज़ जल गया। इसलिए नंबर्स में ये दो से तीन हो रहा है, क्योंकि मालिक एक आ रहा है फिर सामान का मालिक दूसरा आ रहा है। तो हम लोगों ने इमीडिएटली कल तक हम लोग 400 प्लस को हम लोग ने आइडेंटिफाइड कर लिया, और वो ऑनलाइन अपना एडीसी ईटानगर का एडीसी मिस्टर बोमजेन एंड मेंबर सेक्रेटरी अपना ये नाहरलगन एससी लिखा राज जी, और हम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से नंबर लिया, किसी बंदे को लिया, पेको जी को, बजर कमिटी को लाया, सारा विक्टिम को लेके ये मुआवजा देने अपना ये रिलीफ देने के लिए वो शुरू हुआ। दूसरा सीएमओ से, आपको मैं बता दूं, चीफ मिनिस्टर से जो बड़ा मात्रा में नुकसान हुआ उसको जायजा करने के लिए कल ऑनरेबल एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर, जो सेकेंड इन कमांड है मिनिस्टर, तो हालांकि अपना चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी है कंसर्न मिनिस्टर जी, बट तानपो जी जो हमारा विधायक है, वो मिस्टर तानपो जी, उन्होंने अपना सेक्रेटरी के साथ अपना साला जी पात्र सेक्रेटरी डायरेक्टर सारा सिस्टम के साथ उन लोगों ने दौरा किया। वो दौरा करके हम लोगों ने यह एक बहुत बड़ा मात्रा में सारा विक्टिम्स को बुला के पब्लिक मीटिंग किया, और इमीडिएटली वो जिस जिस का आशियाना घर बार सारा जल गया उसका अल्टरनेटिव के लिए हम लोगों ने उससे लगभग 60-70 मीटर का फासला में एक नया बजर खोलने के लिए हम लोग ने वो कार्य भी तुरंत शुरू कर दिया। उन लोगों को चारों तरफ से हम लोग का मदद चल रहा है, हमसे जो हो सकता है, और बाकी तो जो है आपको अपडेट करता रहेगा। एंड एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। जी जी बिल्कुल, आपने काफ़ी विस्तार से, मेयर साहब आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि आज जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, खास करके वो पीड़ित लोग जिनकी संख्या आप 1100 तक बता रहे हैं, वो पीड़ित दुकानदार जी, जी। वो आज ये कार्यक्रम अगर देख रहे होंगे तो उनको ज़रूर मदद मिलने वाली है, क्योंकि आपने विस्तार से इसे समझाया कि किस तरह से आपने कदम उठाए। जब आग लगी तो उनको मुआवजा के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, उनको रिलीफ के लिए कैंप भी बनाया गया, और जो ऑनलाइन सुविधाएं की गई हैं वो भी जाननी चाहिए, जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए वो जानकारी उनको मिल सकती है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनमें से जो दुकानदार होंगे, जो पीड़ित हैं, उनको ज़रूर आज जानकारी मिली होगी। साथ ही आपने कई बातें कही, आपने कहा कि बाजार कमेटी के साथ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन करके आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे जुड़े हुए लोग भी आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और अरुणाचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट तार नाचुंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तार नाचुंग जी, आपकी कोशिश क्या होगी कि
जल्द से जल्द उन पीड़ित लोगों को मुआवजा पहुंचे। और जो मेयर साहब ने बातें कही है, 60 से 70 मीटर के दायरे में नए दुकान, जो नई बाजार लगाने की बात है, ये इस पर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो सभी को नमस्कार। अभी जो मेयर सर ने जो बोला है वो फैक्ट है, सही है। जो मैनेजमेंट गवर्नमेंट का साइड से और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव का होने का नाते एज ए मेयर, एज ए लोकल विधायक भी इन्वॉल्व है इस ये में दुर्घटना में। तो आज आपका माध्यम से मौका मिला, जो हमारा जो ग्रीवेंसेस है और यहाँ का जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो 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 स्पेशली कुछ डिपार्टमेंट है उनका, उन लोग का मिस ये जो है सही समय में सही जो काम करना चाहिए था वो कर नहीं पाने का वजह से आज हमारा 700 दुकान जो है आग जलना ये राख हो गया। तो इस विषय में मैं जो स्पेशली जो हमारा दुकानदार जो है, काफ़ी अरुणाचल में ऐसे जो जिसे मेयर साहब ने जो बोला है 40 साल का ओल्ड है, वो हमारे ऑलमोस्ट में जो है 50 साल का जो है ओल्ड है। तो जब से स्टेट यहाँ में जो है नेफा का समय से वो रहा और आज से स्टेट उड होने का बाद भी वही मार्केट एक ही मार्केट है कि जहाँ में जहाँ से जो जो कस्टमर उस दुकान में जाता है वो सामान लेकर चला जाता है। तो इस प्रकार का जो घटना काफ़ी जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी होता है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा जो घटना है हमारा बिजनेस कम्युनिटी का जो है प्रॉपर्टी का जो साथ में हुआ है, आज ही जो लास्ट 25 को हुआ है। तो इस पे मीन्स हमारा पहले जो ये मैं बोलना चाहूँगा, जो हमारा जो डिपार्टमेंट कंसर्न है उनका ऊपर में मैं कुछ बोलना चाहूँ पहले, क्योंकि अभी जो सुविधा है प्रबंध जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन यहाँ में जो ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, जो हमारा जो है जो फायर सर्विस स्टेशन का उनका हमारा लॉस होने का कारण ज़्यादा उसी से हुआ है। हाँ, हो सकता है जिसे हमारा अरुणाचल में, क्योंकि अरुणाचल जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अब आज तक क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ में जो 26 डिस्ट्रिक्ट है और हमारा आपको जो आपका माध्यम से आज मैं बताना चाहूँगा हमारा स्टेट का हालत को, 26 डिस्ट्रिक्ट में और कितना जो है ये होता होगा आपका जो अर्बन एरिया होता होगा, 50+ अर्बन एरिया है, उसका बाद में 5,000-6,000+ विलेजेस, उनमें से हमारा अरुणाचल में टेंडर्स जो है सिर्फ 27 नंबर है। आपको विश्वास नहीं करेगा, 27 जो पैर टेंडर्स से वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वो डिप्यूट करेंगे। इस कारण से हुआ है हमारा जो मैक्सिमम जो ये हुआ घटना में जो लॉस हुआ है। तारे तार साहब आपकी बातें सुन रहे हैं, वो ओसी नहर लागुन फायर सर्विसेज के तारे तार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कई सवाल खड़े हुए हैं। एक तो लापरवाही है, आपने भी कार्रवाई की, दो लोगों को सस्पेंड किया, ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम आपकी जुबानी हम सुनना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई हुई है और ये जो देरी हुई फायर सर्विसेज को वहाँ पहुँचने में, इसके बारे में आपने क्या कदम उठाया है? सभी को नमस्कार। जो अभी पर्स में हमारा मायर साहब जो इसके लिए दुनिया भर जो अभी चैम्बर कॉमर्स का नाचोंग जी बोला है, जो हमारा फायर सर्विस को थोड़ा लेट हुआ है, तो इसी में ये बजर और हफ्ता फायर स्टेशन सामने में है, जो सामने हमारा ये जो आज जिस घर से आग लगा था
उसी से हमारा स्टेशन 15 मीटर का दूर होगा, 15 मीटर का। तो इसी में जो हमारा जो लेट निकला है, जो उसी में बिल्डिंग में ना एक ही दरवाजा होता है, तो उसी में करकी है ना क्या है, उसी में आग लग गया। आग लगते समय में उसी अंदर में आग लग गया, तो बाहर में नहीं लग, तो अंदर में लगने का, तो हमारा लड़का पहुंचा है एक ही दुकान का, आज नौ ताला होता है, ताला चाबी उसमें लॉक करके रखा, ना उसको तुता नहीं सका है, ना क्या कर सका। तो पानी मारते मारने से टीना में ही गिरता है, तो उसको तुता नहीं सकता है। उसके बाद ये उसी में आग पे ज्यादा लग गया, दो गाड़ी जो है उसी में मारा है। तो उसके बाद गाड़ी मारने के बाद हमारा यहाँ से रिपलिंग लेने के लिए 3 किलोमीटर पानी लेना पड़ता है, तो 3 किलोमीटर आना जाना हमारा 6 किलोमीटर हो जाता। उसी में तोरा आग उसी में चिल गया, उसी में आपका उसी में का है का तिल ये सब घी है, उसी में आग ज्यादा नहीं पा रहा है, पाया जी। तो क्वेश्चन जी बिल्कुल, आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है ये नहर लागून की बेहतरी के लिए है, अरुणाचल प्रदेश की बेहतरी के लिए है, क्योंकि सिस्टम को और ठीक किया जा सके और जो भी इससे जुड़े हुए संबंधित विभाग हैं वो किस तरह से काम करें ताकि लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं वो ना हो। आपने भी बहुत जो महत्वपूर्ण जो सवाल उठाया है कि आपके पास एक गाड़ी थी उस समय, और आग जो भीतरी जो दुकान है भीतरी दुकानों में लगी, जहाँ से दिखाई नहीं दे रही थी और बहुत बाद में पता चला, और वहाँ तक पहुँचने में भी दिक्कतें हैं। थोड़ी देर पहले मेयर साहब ये कह रहे थे कि लैंड लॉक्ड है ये वो एरिया और बाज़ार, क्या आपको क्या कोई कमी नज़र आती है जिसे आप दूर करना चाहते हैं प्रशासन से? वहाँ जगह की कमी है जहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ियाँ तुरंत पहुँच जाए, क्या फायर सर्विस को पानी लाने में जो देरी हुई जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहीं पानी का अगर सुविधा किया जाए, क्या इस तरह की बातें जिस पर विचार किया जा सकता है आप भी बता सकते हैं कि जो कमी है उसमें आगे चलकर सुधारा जा सके? ये हमारा मायर सर और ये तांबर कुमार सर ये दो ये पानी रिपलिंग के लिए थोड़ा सेक्टर हम लोग ठीक रहेगा। हमारा स्टेशन में सिंगसन हो गया बोला है जी, एक ये फोर हिल का, तो उसी समय ये तो ये कुछ सारी हमारा फोर हिल जो है या स्टेशन का सामने में होने से इतना तक नहीं होना पता ना था आपको जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बन रही हमारे साथ कीपा नई हैं जो बाजार वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं। कीपा नई जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा जी सर। जी तो पहली बार जब हमने आपसे सवाल किया था आप नहीं सुन पाए थे, अब इस सौभाग्य के आप हमें जुड़ पा रहे हैं। आप लोगों की आवाज़ को किस तरह से आगे पहुंचा रहे हैं क्योंकि आपका अहम रोल है, बाजार कमेटी के आप चेयरमैन हैं, आगे भी कई बातें हुई हैं उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आप फिलहाल लोगों को राहत मिले मुआवजा मिले और अपनी बातों को किस तरह से प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं? आप सभी को नमस्कार, सभी को वेरी गुड इवनिंग। एज ए मार्केट चेयरमैन हम सब आप दुखी है, लेकिन ये हमारा मार्केट हमारा वो फायर ब्रिगेड का ऑफिसर सर जो अभी स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल गलत है। तो फायर ब्रिगेड सामने में है, तो इसमें वो लोग फायर स्टेशन में आज भी दिए हैं, वो लोग सो रहा था। हाँ नहीं, उन्होंने ये बात मानी है तो रहा था। जी कीपा नहीं जी, उन्होंने ये बात मानी है कि मैन पावर की कमी थी, एक गाड़ी थी और लोग नहीं थे, ये बात वो मानी है उन्होंने, और शायद उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। वो तो आप सुनिए थोड़ा सा जी, वो जो ये को हमारा घर को जो थोड़ा सा लाइट जल रहा था
और उसी में देखा है तो ये आपका वो फायर जल रहा है, तो उसी में हमारा दुकानदार जो दो बार के आए वो फायर स्टेशन में पहुंचा, सामने है 5-7 किलोमीटर का दूर है और सिर्फ रोडे बीच में है, रास्ता बीच में है, तो इसी में दौड़ मार के आया तो कोई भी नहीं है, गाड़ी को भी पत्थर से आवाज दिया, बिल्डिंग को भी पत्थर से टोंग टोंग मार के मैंने नोक करके आवाज मार के मैंने जगाया, जगाने का बाद अरे ऐसे हो रहा है चलो पानी पानी वाला जल्दी ये पानी ये को आग को निमाओ बिताओ बोले से आपका पुलिस वाला ने बुलाए, पानी गाड़ी बुलाए पानी नहीं है क्या करेगा, और सेकंड में बुलाए ड्राइवर नहीं है उपाय ने क्या करेगा, वो भी सीरियस नहीं ले आए, आप आराम से बरास मार मार के टूट बरास मार मार के आया, इतना आग जल रहा है हमारा लोग सीरियस में उसको चिल्ला रहा है वो सीरियस नहीं है, तो उसका और जबरदस्ती बोलने का बाद एक गाड़ी में उठ के थोड़ा सा पानी होता होगा वो जलने का बाद तोरा मारा है अंदर में और रास्ता भी क्लियर है, उसमें आदमी इतना सामान को भूखे जाता है तो फायर ब्रिगेड का पानी किसे लेके नहीं जाएगा, फायर ब्रिगेड पानी को किसे नहीं घुसाएगा, तिला भी घुसता है और तिला में पूरा इतना सामान लूट करके तिल के आता है वो रास्ता में घुसता है वो उसमें इतना वो टाइट नहीं है जगह टाइट नहीं है वो तिला भी घुसता है माल को उधर घुसा के दुकान में बिताता है पहुँचाता है वो ये तो हमारा फायर ब्रिगेड का ये लापरवाही का कारण से जला है, वो उसके बाद थोड़ा सा पानी मारने का बाद पानी खत्म हो गया बोला है, उसके बाद पानी लेने देगा बोल के चला गया उसी में पूरा पानी ऐसे पूरा दुकान तो ज्वाइन हो गया और पूरा पानी ये आग फैल गया, तब हम लोग एक जेसीबी को जैसे तैसे बुला के जेसीबी ने तोड़ के एक घर बीच बीच को जेसीबी तोड़ा के तो जेसीबी को लगा के एक घर को सिर्फ वो मछली का लाइन को सिर्फ जेसीबी बचा दिया है, जेसीबी सिर्फ एक लाइन को बचा दिया है, हमारा फायर ब्रिगेड होने से वो घर भी नहीं होना था जी। पूरा का पूरा खत्म है, वो तो बहुत लापरवाही का बाजे से है, वो तो फायर ब्रिगेड का है गलती है, और इसलिए हम मेरा तरफ से फायर ब्रिगेड का तरफ को इसलिए अच्छा से छानबीन करना पड़ेगा सरकार को, हम फायर सर्विस और जो भी ये सर्विसेज हैं इनको और तत्परता से काम करनी होगी। आपके सवाल का उत्तर देंगे अब ओसी साहब जो तारे तायर साहब हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है मेयर साहब का भी बयान, उनसे भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।